महाराष्ट्र के हित में जो भी काम होगा उसको करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले, अजित पवार गुट की ओर से अब अपने महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल को ही हटा दिया गया है और उनकी जगह पर एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। यानी कि एक साल पहले जो शिवसेना के साथ हुआ था, उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था, वही ठीक रिपीट होता हुआ इस वक्त शरद पवार के साथ नजर आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त ये दे देते हैं, एनसीपी अजित पवार गुट की ओर से बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सबसे पहले प्रफुल्ल पटेल, जिनको शरद पवार गुट ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है पार्टी से, उनकी ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई और प्रफुल्ल पटेल की ओर से कहा गया कि अजित पवार के नेतृत्व में अब नए तरीके से काम करने के लिए पूरी तरह से पार्टी तैयार है। पार्टी में जो बदलाव करने थे हमने कर दिए हैं। सुनील तटकरे एनसीपी के महाराष्ट्र के नए प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं, जिसका ऐलान प्रफुल्ल पटेल की ओर से किया गया है। जयंत पाटिल को एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया है। प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनकी ओर से यह बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। सुनील तटकरे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। तटकरे ही अब महाराष्ट्र में कोई भी नियुक्ति करेंगे। जयंत पाटिल से सारे अधिकार इस गुट की ओर से छीन लिए गए हैं। याद करिए, एक साल पहले जैसा उद्धव ठाकरे के साथ हो रहा था, सेम वही चीजें रिपीट होती हुई शरद पवार के साथ इस वक्त नजर आ रही है। यानी कि पूरी तरह से उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, लेकिन शरद पवार हार मानने को तैयार नहीं है। उनका यह कहना है, एक टाइम खाऊंगा लेकिन अपनी पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा।